बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी लगी होगी, परंतु असत्य की हमेशा हार होती है, असत्य का झुंड कभी जीतता नहीं है, क्योंकि असत्य का जो झुंड होता है, कतार होती है, बहुत लंबी होती है, पर उस झुंड में सब मूर्ख होते हैं और जो सत्य अकेला खड़ा होता है वो विजय इसलिए होता है कि वो सत्य मार्ग पे है, आत्म मार्ग पे है, इसलिए सत्य की ही विजयी होती है। इसलिए कृष्ण भगवान हमेशा अपने में कहते हैं, अपने उपदेशों में, कि कृष्ण का उद्देश्य यही रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि सत्य की राह पर चलो। जबकि भगवान बार बार यही कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय माला माला फेरो, मन से भगवान को याद करो, मनन से, मन से पूजा करो। गीता में भी भगवान ने कहा है कि कृष्ण ने कहा है कि माला जपने को नहीं, मन के को काबू करने का मन है, पूजा करने का मतलब, सत्संग करने का मतलब, आत्मज्ञान लेने का मतलब यह है कि मन को काबू में रखो, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारा मन ही नियंत्रण में नहीं है तो माला आपका कुछ भी नहीं करेगी, माला से कुछ नहीं होता है, माला जप का कोई तत्व नहीं है, माला जप का कोई महत्व नहीं है। माला जप से कोई लाभ नहीं होता है। कहते हैं ईश्वर तो केवल दिशा दिखा सकते हैं, पर पथ पर चलना तो हमारा काम है। सत्य कर्म करना, अच्छे कर्म करना तो वास्तव में हमें खुद ही आना चाहिए। भगवान हमें रास्ता देता है लेकिन चलना तो हमें ही होगा। तो इसलिए कहते हैं सत्य मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, असत्य मार्ग पर मत चलो। कर्म अच्छे करना ही माला का जप है, जप जपना कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं अगर तुमने अपने आप में भगवान को अर्पित कर लिया, सबसे उत्तम सबसे सही सहारा ईश्वर ही है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक सर्वदा मुक्त रहता है, उसे कभी किसी चीज़ का भय नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। कहते हैं सारी ही चिंता समाप्त हो जाती है जब हम प्रभु का नाम लेते हैं। प्रभु नाम में गजब की शक्ति है, अपार शक्ति है। तभी तो कहते हैं कि हमें परमात्मा पर ही भरोसा करना चाहिए। जैसे एक चिड़िया, कहते हैं एक चिड़िया ने शिकायत की, ये परमात्मा बड़ी मुश्किल से हमने घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान मजबूत रहे, मजबूत रहे, तुम बच जाओ। इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं हमको पता भी नहीं चलता, हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचा लेते हैं। और अगर हमें पता लगे कि परमात्मा हमें कष्ट पास आए हैं तो भरोसे के रखिए कि हमारे कष्ट को भगवान जरूर दूर करेंगे। भगवान कभी किसी को ज़्यादा दिन कष्ट में नहीं रखते, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसका फल तो हमें, कर्मों का फल तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे फल तो हमें कुछ मिलेगा ही। तभी तो भगवान ने स्पष्ट गीता में भी बोला है, कृष्ण भगवान ने, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाइए, मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जब आपने मन को परिवर्तित करोगे तो ही आपका मन को दूर करेगा। हम प्रार्थना भी पहले करते थे, अब तो नहीं बोली जाती, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आ करके परम ज्योति जगा देना। तो जो पहले प्रेयर बोली जाती थी या हमारे बड़े लोग बोलते थे वो बिल्कुल सही बातें बोलते थे,
लेकिन आज उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं युवा पीढ़ी। और जो युवा पीढ़ी उन चीज़ों को समझ लेती है उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि पूजा का मतलब केवल पूजा नहीं है, मन की शांति होनी चाहिए, तभी तो कहते संतों का आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक होता है। देखे संत तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे, इतने में एक स्त्री लोग जो कि सती होने जा रही थी सामने से आ गई। हमारे साथ शास्त्रों में भी बताया गया कि महात्माओं को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संत जी को देखते ही उस स्त्री ने दंडवत प्रणाम किया, तब तुलसीदास जी ने उसको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। तुलसीदास जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर स्त्री फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बड़ी आश्चर्य की बात है, संसार पलट सकता है, प्रलय आ सकती है, परंतु संत का वचन झूठा नहीं हो सकता है। स्त्री के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुलसीदास जी ने कहा, अर्थी नीचे रख दो और तुम अभी आंखें बंद करके राम नाम का जप करो। इतना कहकर तुलसीदास जी राम नाम का जप करने लगे। कुछ समय उपरांत कमंडल में जल लेकर छिड़का, मृतक शरीर पर छिड़का और वो जीवित हो गया। आशीर्वाद और नाम के प्रभाव से प्रकृति भी बदल सकती है। इसलिए कहते हैं कि संतों की वाणी से भगवान स्वयं हर समय सब कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए भगवान ने संत महात्मा बनाए हैं, गुरु बनाए हैं कि तुम हर समय इनको रास्ता दिखाओ, ज्ञान दो, इनके दिलों में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो। शास्त्रों में भी लिखा है, संतों ने के आशीर्वाद और वाणी से इतनी शक्ति है कि विधि के विधान को बदल दे। जिसको संतों का आशीर्वाद मिलता है उसका जीवन हमेशा मंगलमय रहता है, उसका कभी मंगल नहीं होता है। संतों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान कहते हैं, दुख सुख तो आते ही रहते हैं, दुख सुख की छाया है, जो सुख को मांगता है वो सुख को भी पाता है, पर ये नहीं जान जाता कि कोई दुख को नहीं मांगता, दुख क्यों नहीं मांगता, फिर उसे दुख पता ही नहीं है, वो मांगे या ना मांगे, सुख की मांग में ही दुख को भी निमंत्रण दे देता है। अर्थात जब हम सुख को मांगते हैं तो दुख हमारे पास साथ में आ जाता है। जैसे एक सिक्के के दो पहिए हों, अगर हम सिक्का लेते हैं तो सन भी मेरे पास आएगी, पुतली भी मेरे पास आएगी। उसी प्रकार से जब हम सुख मांगते हैं तो दुख तो मेरे पास आएगा ही, जब सुख है तो दुख का आना निश्चित है, या दुख है तो सुख का आना निश्चित है। दुख के पीछे आता है, सुख सामने दिखाई देता, सुख तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम उसको अच्छे अच्छे खुशी से निभाते, उसमें दुख छिपा रहता है। तो दुख पीछे आता है, सुख सामने दिखाई पड़ता है। जब भेंट होती है तो थोड़ी देर में सुख बिथर गया होता है और दुख हमारे हाथ में होता है। हम कहते हैं, हे परमाता, हमारे हाथ में दुख ही दुख है, देखो फला सुख है, फला सुखी, हम ही क्यों दुख। अरे जब हमने इतने सुख भोग रखे तो दुख को कौन लेगा, जब हमने जन्म लिया है तो मृत्यु भी तो हमारी ही होनी है, हैं? जब हमने जन्म लिया तो मृत्यु किसकी होगी, मेरी होगी। जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे आएगी। तो इसलिए कहते हैं सुख दुख समान है और हर समय हमें समान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, तुम कर्म बनो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम किसी के प्रति को अपने को कर्ता मत समझो। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है उसका कार्य तो पूरा होने पर जाना ही जाना होता है। मोह के वशीभूत हमें नहीं रहना चाहिए, हाय मेरा ये चला गया, हाय नहीं। जिस खाने की चीज़ है, हम आलू लाते हैं, हम स्वीट्स लाते हैं, हम लाए हैं तो वो ख़त्म होगी, उसको हम यूज़ करते हैं, खाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। हम कपड़े लाते हैं तो हमारे फट जाते हैं, उसी प्रकार हमने जन्म लिया है तो हमारा भी तो समय एक दिन पूरा है, हमें जाना ही जाना है। इसलिए हम कर्ता नहीं बने, हम केवल एक माध्यम है, हम कर्ता अपने को कर्ता समझकर कोई कार्य मत करें। कहते हैं एक समय कुरुक्षेत्र में समक पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपा दुर्योधन और समस्त बंधुओं को देखकर मोहग्रस्त हुए अर्जुन ने
हाथ में गांडीराव छोड़ दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कुल धर्म का विनाश करता है वो सदैव नर्क में वास करता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। माना कि ये लोग वश में लोभ में आकर हमारा अधिकार छीन रहे हैं, पर हम तो लोभी नहीं हैं। हम इसका वध कैसे कर सकते हैं? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ माधव। पितामह, भीष्म और गुरुद्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? भले दुर्योधन आदि मुझ निहत्थे मार दें, पर युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण जी मुस्कराए और बोले, हे अर्जुन, मोह में वशीभूत हो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये मोह केवल तुम्हें ही नहीं है, ये मोह हर इंसान को होता है, सब में उपजता है, बल्कि ये मोह समस्त मानव जगत के हृदय में बसता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, व्यक्ति को अपना कर्तव्य वर्तमान परिस्थिति के आधार पर तय करना चाहिए। इस युद्ध के बाहर तुम पांडव पुत्र अर्जुन हो, पर इस युद्ध में तुम केवल और केवल एक सैनिक मात्र हो। यहाँ तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, एक ही काम है, युद्ध तुम्हारा, युद्ध छोड़ना, अपने कर्तव्य की अवहेलना है, जिससे बड़ा अधर्म और कोई संसार में नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि सामने कौन खड़ा है, महत्वपूर्ण बस ये है कि तुम योद्धा हो, योद्धा हो, योद्धा हो, और तुम अपना धर्म निभाओ। युद्ध क्षेत्र में खड़ा व्यक्ति यदि सहिष्णु हो जाए, अपने धर्म और संस्कृति तीनों के लिए घातक होता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये कार्य मैं क्यों करूँ? मेरा कर्तव्य इतना कठोर है कि वो मुझ पे परजनों का वध कराना चाहता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मारे जाएंगे? पार्थी, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है उसे जाना ही पड़ता है, ये निश्चित है। और मोह की वशीभूत नियत का विरोध करना अधर्म है। मनुष्य करता नहीं, माध्यम है। जिस तरह तुम्हारी उंगलियों का आदेश पर कर तुम्हारे बाण कार्य करते हैं, उसी तरह परमात्मा का आदेश पाकर तुम कार्य करते रहो। इसलिए अपना धर्म निभाओ और कृष्ण, तुम युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। भगवान कहते हैं, तुम किस किस को बचाओगे? कण कण में तो भगवान का निवास है, क्या तुम नहीं जो काम करोगे वो होगा ही नहीं है। कहते, एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था, कण कण में भगवान है, संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए, यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था, सामने एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार बार बार चिल्लाया जा रहा था, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया, वो नहीं वहीं खड़ा रहा, ये सोच कर कि मेरी हर तरह साथी हाथी में भी भगवान का वास है, भगवान को, भगवान से कैसा डर। वो रास्ते के बीच में डटा रहा, ये देखकर महावत कोष से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो? पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर उधर नहीं हुला। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं कहराता रहा, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि वे भगवान ने का याद करता है, भगवान को उसको सारी शक्तियाँ हैं। इससे सहपाठी उठ के आश्रम में ले गए। उससे गुरु ने कहा, आप तो कहते हो कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखो हाथी ने मेरी दुर्गति की है। गुरु ने कहा, ये सत्य है, प्रत्येक वस्तु में भगवान है, निश्चय हाथी में ही नहीं भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से नहीं हटे, क्यों नहीं हट गए? गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी भूल एहसास हुई। कहते हैं, जब तक हमारी शिक्षा आधी अधूरी रहे तब तक उसे बिना समझे बिना हम किसी कार्य को उठा लेते हैं। ये मेरे बुद्धिमानी की बात नहीं है,
बुद्धिमानी नहीं है। भाई गुरु ये भी तो सिखाता है कि तुम सत्य मार्ग पर चलो। हम कोई कार्य को करते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान ने ये भी तो कहा है कि तुम किस प्रकार से आस्था रखो। बड़ा ही सुंदर सा दृष्टांत है बाप और बेटे का। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था। उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्यौहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है, अब वहीं रहें और हमें शांति में जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वो यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटा ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह से और कब से जानते हो? मैनेजर हंसा और मुस्कुराते हुए बोला, जवाब दिया, जब से अनाथालय से एक बच्चे को तुम्हारे पिता गोद ले गए थे तब से मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। इसका मतलब जो बेटा शिक्षा ये मिली, जो बेटा अनाथालय छोड़ के गया था, जिस बहू ने अनाथालय में अपने ससुर को छुड़वाया था, वो बेटा कोई और नहीं था, वो उसका पापा ही था जिसको वो छोड़ कर आया था, अपने पिता को ही आश्रम में छोड़ कर आया था। तो आज के बच्चों की नसीहत यही होती है, कहते हैं हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा, इसीलिए हमें आज आत्मज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है कि गुरु ही बताता है कि माता पिता तुम्हारे कौन है और पिता का किस प्रकार आदर करना चाहिए। आज के बच्चे इस तरह अपने पिता के साथ, माँ और पिता के साथ बिहेव करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को अच्छी राह दिखाते हैं तो इस तरह के व्यवहार से बचा जा सकता है। कहते हैं कि देखो कुछ लोग मीलों चलकर भोजन पाने के लिए चलते हैं, अमीर मीलों चलता है उसे बचाने के लिए, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, एक व्यक्ति की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है, कोई अपने लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, दौलत के लिए सेहत को खो देता है और कोई सेहत के लिए दौलत को खो देता है, जीता ऐसे है जैसे कभी वो मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक मिनट में जिंदगी बदल सकती है परंतु पैसा जिंदगी को नहीं बदल सकता है। जिंदगी तो बदल जाएगी एक मिनट में, लेकिन पैसा वहीं का रखा रहता है, वो जिसके हाथ पैर नहीं उसके कि वो बदल जाए चल जाए। पैसा का सिक्का रुपया उसी तरह बना रहता, गड्डी वैसे ही रखी रहती है जैसे रख के गड्डी रखे हो, बैंक में रखे हो, अपने पास रख के लेके बैठे हो सोफे पे, रुपया वैसे ही रखा रहेगा। सोफे पे बैठे बैठे हम शून्य हो जा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी जा सकती है, हम शून्य हो सकते हैं, हम प्रभु में लीन हो सकते हैं। पैसा तो कहते हैं हाथ का मैल पुराने लोग कहते हैं। इसलिए मनुष्य को शांत और रहना चाहिए, मनन करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए, कम खाओ गम खाओ चिंता नहीं और चिंतन करो, चिंता ना करके चिंतन करो, खुश रहो तभी तो। गीता में भी प्रभु कहते हैं कि ये जीवन दुखाल है तो ये जीवन खुशहाल भी है, हमको खुशियाँ भी यहीं प्राप्त होती हैं, सारा स्वर्ग भी तो हमारा यही है। अगर इस प्रकृति से, इस मानुष जन्म से हमको स्वर्ग ना मिला, फिर हमें अन्यत्र कहीं स्वर्ग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये हमारा सुखालय है, हमें यहाँ हमेशा खुश रहना चाहिए। नाम तेरा है तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा। आम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुन नर मुनि जन तुम चरणों में निसी दिन शीश नवाते हैं,
सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निस दिन शीस नवाते हैं, वो जाते हैं तेरी महिमा, वो गाते हैं तेरी महिमा, वन वांछित फल पाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। हम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। दीन दयाला करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाला करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटक हुए हम भक्तों का प्रभु, भक्त हुए हम भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है। दीन दयाला करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भक्त हुए हम भक्तों को प्रभु, तू ही एक सहारा है। भव से पारे उतरने को प्रभु, भव से पारे उतरने को, तेरे गीतों का सरगम होगा। से पारे उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय।